देश में रोजाना नए कोरोना केस आने की रफ्तार जोर पकड़ती जा रही है। अब तो हर दिन 70,000 के करीब नए कोरोना केस आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोविड-19 महामारी के 69,878 मामले सामने आए। इस तरह अब तक कुल देश में 29,75,702 लोगों को ये महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड ने 945 मरीजों को मौत की नींद सुला दिया और अब कोरोना के कारण देश में दम तोड़ने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55,794 हो गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि इस महामारी से ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। पिछले 24 घंटों में ही 63,631 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 22,22,577 मरीज इलाज के बाद महामारी से उबर चुके हैं। हालांकि 6,97,330 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो उसमें मामूली इजाफा हुआ है, अब ये 74.69% पर पहुंच गया है, जबकि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.82% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने अब एक दिन में 1,000,000 कोरोना टेस्ट करने का मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया में ऐसे कम ही देश हैं जहां एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हों।